सकते हैं उसमें देखें लिटरेचर असूल के अंदर। असूल उसका ये है, असूल ये है कि आपने अपने अल्फाज में लिटरेचर रिव्यू लिखना है, इसलिए कि वो आपका चैप्टर है, वो आपका आर्टिकल है, तो आपने अपने ही अल्फाज में लिखना है। लेकिन चंद जगह ऐसी जहां आप ये ज़रूरत महसूस करें कि वही अल्फाज लिखे जाएं जो असल ऑथर ने लिखे हैं, तो वहां आप वहां से अल्फाज उठा सकते हैं। लेकिन एक तो बहुत ज़्यादा ना हो, यानी आप पूरे पूरे पैराग्राफ वहां से उठाना शुरू करते हैं तो ये प्रैक्टिस गलत समझी जाती है। तो दूसरा ये है कि जो आपने वहां से उठाना है उसको फिर लिखने का ख़ास तरीका है, कि जैसे कि एपीए का मैनुअल ये सिखाता है हमें कि उसे हम डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर दें और साथ पेज नंबर ज़रूर दें, ताकि पता चले कि आपने जो डेफिनेशन उठाई है या जो हाइपोथेसिस आपने कहीं से कॉपी किया है उसकी एग्जैक्ट वर्डिंग जो है वो आपने किस पेज से ली है। तो जब आप इसको कहते हैं वर्बैटम, आप जब कॉपी पेस्ट करते हैं तो इसको वर्बैटम कहते हैं टर्मिनोलॉजी में। तो वर्बैटम उठाने का ख़ास तरीका है, बहुत ज़्यादा नहीं उठाना होता और साथ पेज नंबर लाजमी देना होता है और पढ़ने वाले को पता चल जाए कि ये आपने वर्बैटम उठाया हुआ है। अगर वो डबल कोटेशन मार्क्स देखेगा तो समझ जाएगा कि यहाँ से जो वर्ड शुरू हो रहे हैं ये दूसरे ऑथर के, उसको प्रॉपर कोड करें और आम तौर पर आप रीफ्रेज करें, अपने अल्फाज में लिखें। जी और बताइए सर, ये जब हम इस तरह इन्वर्टेड कॉमास में आप कह रहे हैं कि करेंगे कोट करेंगे, तो क्या ऑथर का नाम भी साथ? जी 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 जी, ऑथर का नाम देना तो लाजमी है ना। ऑथर के नाम का मतलब ये है कि जो भी उसकी सर्टेशन बनाने का तरीका है ना, ऑथर का लास्ट नेम होता है कॉमा डाल के, फिर उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन होता है, फिर कॉमा डाल के उसका पेज नंबर होता है। आप जब भी आप किसी दूसरे का आइडिया लेंगे, चाहे वर्बैटम लें चाहे अपने अल्फाज में लिखें, आपने सर्टेशन देनी है, आइडिया दूसरे का है ना, आइडिया आपका नहीं है। आपने अपनी तहरीर से किसी भी जगह पे ये साबित नहीं करना कि ये आपका आइडिया है, अगर वो आइडिया आपका नहीं है तो। यानी ये तासुर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए कि आप एक ऐसी बात डिस्कस कर रहे हैं कि जो असल में तो किसी और की है, लेकिन आप ये तासुर दे रहे हैं कि वो आप अपने पास से कह रहे हैं। अगर किसी दूसरे ने कही है तो उसे कोट करें प्रॉपर, और कोट करने का तरीका स्टाइल मैनुअल में लिखा होता है।